फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय व्लॉग. फिर तो व्लॉग में आपका स्वागत है. टाइम भी तो देख रहे थे, अभी बच रहे हैं 1:15. आज है 14 फरवरी और मंडे, और मम्मा और पापा दोनों अपने अपने जॉब पे जा चुके हैं. मेरी भी क्लासेस थी, तो मेरी भी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं और मैंने खाना खा लिया था. अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मतलब होमवर्क करने, अपना जो मेरा थोड़ा सा पेंडिंग वर्क था वो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ अभी. ठीक है ना, तो देखते हैं आज पूरे दिन में क्या क्या होगा. ठीक है ना, वैसे तो आज मेरे को लग रहा है बोरिंग ही जाएगा, क्योंकि अभी तक बोरिंग ही गया है. ठीक है ना, चलिए देखते हैं आज क्या क्या होगा पूरे दिन में. फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम हो चुकी है. अभी टाइम की तरफ देखा जाए तो अभी बचे 3:30 और यहाँ पे अभी गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकल रहा है, जैसे कि आप वहाँ पे भी देख सकते हैं आगे, वो देखिए. ठीक है ना, और यहाँ पीछे है गुरुद्वारे से कीर्तन निकलने वाला है, मतलब निकल ही गया है, वो देखिए वहाँ पे. ठीक है ना, तो बहुत शोर हो रहा है और मामा ने भी बुलाया आज शाम में उनके घर पे, तो उनके घर पे भी चलना है. और आज है आखिरी दिन वैलेंटाइन डे का. और बाकी फ्रेंड्स, आज धूप भी एकदम मसल निकली हुई है, देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है. धूप भी ज़्यादा ठंड भी नहीं है. और पापा भी अंदर है, खाना पीना खा रहे थे. पापा भी खाना खा रहे थे, तो खाना खा लिया उन्होंने. ठीक है ना, तो देखते हैं आज पूरे दिन क्या क्या होगा. बाकी अभी मैं जब जिम में जाऊँगा, यहाँ साइड में पार्क है ना, उसे मैं जिम भी जाएंगे. थोड़ा धूप कम होने देते, 5 बजे जाएंगे वहाँ पे. 3:30 हो रहे हैं ना, 5 बजे जाएंगे. ठीक है ना, ये देखिए कितना प्यारा सा पपी है ना, एकदम छोटा सा. और देखिए कैसे भी खेलेगा. चलो देखिए देखिए मालिक के पीछे पीछे जा रहा है, मस्त है. कर रहा था साइकिलिंग और मेरे साथ हो चुका है एक बुरा वाला काम. तो ये हुआ कि मेरा बैक मडगार्ड टूट गया, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मडगार्ड नहीं है. तो मेरा मडगार्ड बस अभी अभी टूटा है, उसका जो मेटल होता है ना वो ही टूट गया. फ्रेंड्स, आधे घंटे वेट करने के बाद और शाम होने के बाद आखिरकार मैंने मामा और पूरी पलटन आ चुकी है. मम्मा, आज कैसा लग रहा है मामा के साथ आके? बहुत अच्छा. नहीं नहीं, अंजलि से नहीं पूछना, पहले तेरे से पूछना है. बोल की खाना है? दस मेरा तो मन चाहिए KFC खा के चलती. अच्छा, तेरा केक खाने का मन है? कोई नहीं, केक नहीं नहीं नहीं, मेरे को केक सुनाई दिया. मैंने KFC बोला है? नहीं, केक सुनाई दिया मुझे. स्टॉप, मैंने KFC बोला है. मैं ये कह रही हूँ, मटर के पराठे बढ़िया सा. नहीं क्या, मटर पनीर की सब्जी ओके, हलवा कैंसिल, मटर पनीर नहीं, सिर्फ पनीर की सब्जी. मुर्गा का टंगड़ी नी कैंसिल. ले तो खाएगा क्या? नहीं, मैं सिर्फ पनीर खाऊंगा, मटर नहीं. मटर था वो पनीर नहीं खाता ना. क्यों? मुझे तो सिर्फ पनीर चाहिए. जो दीदी ने बोला है वो बनेगा, तुम सब दफा हो जाओ. सीरियसली बोलेंगे पराठा बनाओ और सब्जी बनाओ, हो हाँ, खाना. हाँ ठीक है, वो ठीक है, बढ़िया है. उसके साथ अपा चाय चू पीते हैं, पहले कॉफी कूफी पीते हैं ना. और रणवीर ने केक भी ऑर्डर कर रखा है खाने के लिए. है रणवीर, खुद करके मेरा नाम लगाते हो? क्या बात कर रहा है यार, तू ही तो कह रहा था मुझे ट्रफल केक खाना है. ठीक है, हम पहुंच चुके हैं दीदी के रूम पे और आज होगी पनीर पार्टी. पनीर पार्टी नहीं, वैलेंटाइन पार्टी. नहीं, वैलेंटाइन पार्टी होगी विद पनीर. एंड अपा केक भी ऑर्डर किया एक छोटा सा, है ना, तो केक भी आएगा. फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे टेस्टी कुछ खाने के लिए है ना, तो वो है ये है जब मक्खन से हम घी निकालते हैं ना, मतलब मलाई से जब घी बनाते हैं और ये जला हुआ निकलता है, उसके साइड से ना चीनी मिला के ना इतना बढ़िया लगता है. सही नहीं कह रहा हूँ?
सभी अपने हाँ कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। गाइस मैं भी खाता ही हूँ, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी कटोरी से आधा कटोरी कर देता हूँ। जी देखिए हमारा शाम का नाश्ता, शाम का वो क्या कहते हैं उसको, सफर, सफर। तो ये रहा हमारा सफर, डिनर वाला सफर। इस समय कुछ लोग डिनर करते हैं लेकिन हम लोग अभी सफर कर रहे हैं। और मामी का ये देखिए, ये है मैगी बवाल और ये है बिस्किट। अरे तो बीच में घुस के सर बिस्किट का छीन रहे हैं। अब देखिए चारों कप चाय पी जा तू और सारा बिस्किट भी खा जा। नहीं, चार कप चाय लेकिन बिस्किट पूरा खा जाऊंगा, उसमें कोई शक नहीं है। तू चैलेंज लगाने के लिए तैयार है क्या? जी एक दिन, एक दिन हम चैलेंज लगाएंगे, एक ही पैकेट बिस्किट। अभी नहीं, हम और बिस्किट लेके आएंगे तब, अभी तो कम है। मामा के घर पे, लेकिन मामा के घर पे कुछ प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा था। हाँ, पानी नहीं आ रहा और बार बार पानी लेना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे घर पे पानी आ रहा है तो यहीं पे हम लोग आ गए अभी, तो देखते हैं अभी कुछ खाते। अरे बापो, और मामा का बुरा हाल हुआ पड़ा है, ठीक है ना। मामा का सर में एकदम टेंशन ही टेंशन है। सो जाओ आराम से सो जाओ। तो मामा सो चुके हैं, आंखें खोल के सो रहे हैं। ना नींद आ रही है, ना नींद जा रही है, ना नींद पूरी हो रही है, लाइफ बहुत ही फंसी हुई है। चलिए बहुत अच्छे, गुड शायरी, गुड शायरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आया है मैगी, मम्मा ने बनाया है और सबके पास उनका उनका प्लेट है। मामा कैसा है? सबसे ज्यादा तुम्हारे पास है। तो हम दो लोग हैं यार। बिकॉज मामा ने बोला कि मेरे को मैगी नहीं पसंद, तो सब उनमें से ले लो आधा आधा। नहीं, अभी भूख लगी है, अभी जब पेट भरा होगा तब ले लेना। मम्मा कैसा है? आप ही ने बनाया? मैं कैसा होता, मैं जैसा होता वैसा ही होता। टेन टेन एन अजीमो शान शहंशाह, मरहबा हमेशा हमेशा सलामत रहे, तेरा होगा कटिंग तू ही है खुशियों का पता नहीं क्या। उधर किधर को जा रहा है? ये किचन में ना। ओके नहीं, यहाँ पे ले आओ, चलो दीदी को दिखाते हैं कि व्हाट इज। ओके इधर आओ, इधर आओ। तो फ्रेंड्स मैं ये बताता हूँ आपको, जब मैं किचन में आता हूँ ना दीदी के, तो सबसे पहले मैं चारों तरफ देखता हूँ कि किधर किधर और क्या क्या रखा है खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं पहले सोचता हूँ कि मैं खाऊं या ना खाऊं, है ना। तो इसके किचन में वैसे बहुत सारी चीजें होती है खाने वाली, बिस्किट हो गया, चाय हो गई, दूध हो गया। जैसे कि अभी मैंने वो खाया था ना, वो क्या घी का जला हुआ था, तो इधर कोने में रखा था, मैंने खा लिया। तो ऐसे मैं पहले ढूंढता हूँ। पहले मनीष क्या करता था, पहले फ्रिज होता था, तो आते सबसे पहले फ्रिज खोलता था। पहले मैं फ्रिज खोलता, अभी दो चार दिन में फ्रिज आ जाएगा, तो इसका काम होगा। सबसे पहले आते ही फ्रिज खोल के देखें, तो मैं देखूंगा कि लड्डू किधर है, चॉकलेट किधर है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो मतलब खाने को रखी हो, है ना। तो मैं बहुत ढूंढता हूँ।